समाचारों तरफ नजर करिए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मोटो झटको लाग्यो छे। मंत्री राजकुमार आनंदे आम आदमी पार्टी ने अलविदा कर दीधुं। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंदे राजीनामुं आप्युं। केजरीवाल की धरपकड़ बाद आम आदमी पार्टी में प्रथम राजीनामुं पड्युं छे। तमिलनाडुना वेल्लोर में सभा संबोधता पीएम नरेन्द्र मोदीए कह्युं कांग्रेस अने डीएमके पार्टी वधु एक दंभनी देशभर में चर्चा छे। ज्यारे कांग्रेस सरकार में हती त्यारे श्रीलंका ने कच्छथी उ टापु आप्यो हतो। आ निर्णय कोना फायदा माटे लेवायो हतो? कांग्रेस आ अंगे मौन छे। तमिलनाडुना हजारों माछीमारोने ते टापुनी नजीक जवा बदल धरपकड़ करवामां आवी छे। एनडीए सरकार आवा माछीमारीओने सतत मुक्त करावी रही छे। डीएमके अने कांग्रेस मात्र माछीमारोना गुनेगार नथी परंतु देशना पण गुनेगार छे। पश्चिम बंगाळना दक्षिण दिनाजपुरमां केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहना विपक्ष पर प्रहार। शाहे कह्युं साम्यवादीओ अने तृणमूल कांग्रेस समग्र प्रदेशमां फैलावेली अत्यंत गरीबी माटे जवाबदार छे। बंगाळनी जनताए 2014 अमने मात्र बे बैठक आपी हती, पछी 2019 18 बैठको आपी, हवे 2024 तमारे 18थी वधारीने 30 बैठको आपवानी छे, जेथी 370 बैठको पर पार करवी पड़शे। मजबूत भारत माटे आपणे मजबूत बंगाळनुं निर्माण करवुं पड़शे। अमित शाहे घूसणखोरी मुद्दे ममता बेनर्जी पर प्रहार करता कह्युं ममता दीदी घूसणखोरी रोकशे नहीं, कारण के आ घूसणखोरी तेमनी वोट बैंक छे। भाजपनी सरकार बंगाळमां घूसणखोरी रोकी शके छे। भाजपनी सरकारे आसाममां घूसणखोरी बंद करी छे। हुं तमने मोदीनी गेरंटी कहेवा आप्यो छुं के अमने 30 सीटो पार करो अने बंगाळमां भाजपनी सरकार बनावो, बंगाळमां घूसणखोरी रोकीशुं। उत्तर प्रदेश ना सहारनपुर में एक जाहिर सभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कहूं कि 2024 कांग्रेस अने समाजवादी पार्टी एवी वार्ता फैलावी के राजपूतों भाजप थी नाखुश छे, परंतु हूँ कहवा मांगू छू के आखू यूपी कांग्रेस अने समाजवादी पार्टी थी नाखुश छे। जम्मू काश्मीर ना कठुआ में एक जाहिर सभा में यूपी ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहूं कि हूँ पीएम मोदी अने गृहमंत्री अमित शाह नो आभारी छू कि तेओए आतंकवाद नो अंत लाव्या। राजकोट में भाजपा परषोत्तम रूपाला नो जोर शोर थी प्रचार। रूपालाए प्रचार रूपे चाय पे चर्चा कार्यक्रम नो आयोजन कर्युं। तेमणे भाजपा कार्यकरना घरे थी शुरू करी चाय पे चर्चा। आ बैठक अने आ चर्चा स्थानिक धारासभ्यो अने मोहर कुंडारिया पण हाजर रह्या हता। रूपालाना विरोधमां राजवीओमां बे फाटा पड्या। केटलाक राजवीओ रूपालाना समर्थनमां तो केटलाक राजवीओनी रूपालानी टिकिट रद्द करवानी मांग पर अडग। राजकोटना मांधा तसी विवाद पूर्ण करवाना मतमां जामनगरना शत्रुशल्य सिंह सरकारना समर्थनमां, कच्छ दाताना राजवी पण सरकारना समर्थनमां, तो भावनगर अने राजपीपळाना राजवी सरकारना विरोधमां। जामनगरना राजवी शत्रुशल्य सिंहे वधु एक पत्र लख्यो पीएम मोदीने संबोधीने। पत्रमां लख्यूं के रूपालाए क्षत्रियोनो प्रमुख धर्मगुरु अने समक्ष माफी मांगवी जोईए तेवो उल्लेख करवामां आव्यो अने क्षत्रिय समाजे रूपालाने माफी आपी देवी जोईए। जाम साहेबे लख्यूं के पीएम मोदीए देशने समृद्ध बनाव्यो छे। वडाप्रधाने देश भारतनुं देशनुं नाम वधार्युं छे ते ध्याने लई समाज आगळ आवे अने रूपालाने माफी आपे। મહીસાગરના લુણાવાડાના મહારાણા સિદ્ધરાજસિંહે રૂપાલાનો વિરોધ કર્યો। મહારાણા સિદ્ધરાજસિંહે પત્ર લખી રૂપાલાનો વિરોધ કરતા તેમણે લખ્યું કે રૂપાલાની ટિકિટ કપાવી જોઈએ, રાજપૂત સમાજ સ્વમાનના ભોગે લડશે। ક્ષત્રિયોના કમલમના ઘેરાવનો ફિયાસ્કો થયા બાદ આંદોલનમાં ફાટ પડ્યાની ચર્ચા। સંકલન સમિતિના રમજુભાઈએ કહ્યું સંકલનનો પણ કોઈ અભાવ નથી, ક્ષત્રિય સમાજના આંદોલનમાં કોઈ ફાટ નથી। करणी सेना अने राज शेखावतना कमलम घेराव मुद्दे क्षत्रिय संकलन समितिए स्पष्टता करी। रमजूभाए कह्यु राज शेखावतनी करणी सेना अमारी समितिनो हिस्सो नथी, करणी सेना झुंबेश अलग रीते चलावे छे। क्षत्रिय आंदोलनना नेता रमजूभाए कह्यु कोई पण राजकीय पक्ष आंदोलन पाछळ नथी, करणी सेना क्षत्रिय समाजना आंदोलन साथे छे।
रूपाला सामेना विरोध में क्षत्रियो नु 14मी सम्मेलन योजाशे। राजकोटना रतनपर गामे रविवार सांजे योजनार सम्मेलन में मोटी संख्या में क्षत्रियो ने हाजर रहेवा आह्वान करायुं। क्षत्रिय अग्रणी रमजूभाए कहू जाम साहेब पत्र अंगे चर्चा कर क्षत्रिय संकलन समिति में पत्र अंगे चर्चा कराश जाम साहेब ने प्रयासों कर। नजरकेद में रहे गीताबाए आक्षेप करो कि पुलिस ने सूचना आपी सरकार नजरकेद कर आ रीते नजरकेद राखी आंदोलन बंद करने प्रयास कर। गीताबाए घरे नवचंडी यज्ञ कर विरोध व्यक्त कर। पाटणमां रूपाला समय क्षत्रिय समाजनो रोष, प्रचार प्रसार में ठेर ठेर भाजप विरुद्ध प्रवेश प्रतिबंधना बोर्ड लगावामां आव्या। रूपालानी टिकिट रद्द, क्षत्रिय समाजनी एक ज मांग। सूरतमां क्षत्रियोए भाजपनी सभामां कर्यो विरोध। कामरेजना सेवाणी गामे सभामां रूपालानो विरोध करवामां आव्यो। क्षत्रिय समाजना लोकोए सूत्रोच्चार करी नोंधाव्यो पोतानो विरोध। धोड़काना कोट गामे क्षत्रिय समाज नो रोष, यथावत ग्रामजनोए भाजपना नेता कार्यकर्ताओं ने प्रवेश बंदी ना पोस्टर लगाव्या। रूपालानी टिकट रद्द ना थाय त्यां सुधी भाजप ने प्रवेश नहीं। साथ ही क्षत्रिय समाजे सूत्रोच्चार करी रोष व्यक्त कर्यो। धोड़काना नेसड़ा गामे भाजपनी सभा में क्षत्रियों विरोध। काड़ा वावटा फरकावी रूपालानो कर्यो विरोध। पोलीसे विरोध करता क्षत्रिय समाजना लोकोने कर्या डिटेन। खेड़ाना ठासरामां रूपाला सामे क्षत्रियोनो विरोध। क्षत्रियोए भाजपना प्रचार रथ ने बागरपुरा गामेथी अटकाव्यो अने पाछो मोकल्यो। परशोत्तम रूपालानी टिकिट रद्द करवानी क्षत्रियोनी मांग। सुरेन्द्रनगरना द्रांगध्रामां रूपालाना विरोधमां क्षत्रिय समाजे विशाळ रेली योजी विरोध प्रदर्शित कर्यो। रूपालानी टिकिट रद्द करवानी मांगना सूत्रोच्चार साथे क्षत्रिय महिलाओं केसरी साड़ीमां विरोध कर्यो। आगामी समयमां उग्र आंदोलननी चीमकी पण उच्चारवामां आवी। गीर सोमनाथ में क्षत्रियों विरोध, यथावत क्षत्रियोए रूपालानी टिकट रद्द करवानी उग्र मांग साथे सूत्रोच्चार कर्या। जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपी व्यक्त कर्यो पोतानो रोष। नवसारी में क्षत्रिय समाज नो विरोध, यथावत वांसदाना चांपला धारा में भाजप कार्यकरो आगेवानों ने प्रवेश बंदी गाम में लगाव्या बेनरो। रूपालाना विरोध में बेनरो लगावी क्षत्रियों विरोध। वडोदरा भाजपना नगरसेवक कल्पेश पटेले विवादित पोस्ट ने लई मांगी माफी। क्षत्रिय पाटीदार समाज की माफी मांगी कल्पेश पटेले सोशियल मीडिया पर मूकी हती विवादित पोस्ट। भरूच कांग्रेस में नाराजगी मुद्दे राजकारण में गरमावो। पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेलाए भरूच में आदिवासी नेता छोटू वसावा साथे मुलाकात करी। कांग्रेस नेता संदीप मांगरोला की बैठक में हाजरी। गिनीबेन ठाकुरे प्रतिस्पर्धी रेखाबेन पर सगाई करवानु उदाहरण आपी साध्यु निशान। कहूं भाजप पीएम नामे वोट मांगे छे, सगाई करवानी होय तो पहला मुहूर्तियो जोवाय, मुहूर्तियाना बाप ने जोई सगाई न थाय। गिनीबेने कहूं तमे एम कहो कि हूं बधु काम करवा सक्षम छू, तमने कहूं छू कि कोई ने वच्चे राखवानी जरूर नथी, मदद माटे अर्धी रात्रे भाभर आवी दरवाजो खखड़ावजो। कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेने प्रचार में पोलिस पर प्रहार करता कहूं कि चूंटणी टाणे ठाकुर समाज ने दबावा मांगे छे, पोलिस रोफ जमावा मांगे छे, लोकशाही ना अधिकार नु गणू दबावाय रह्यु छे। बनासकांठा में कोंगी उम्मीदवार गेनीबेन ठाकुरे अनोखी रीते जनसंपर्क साध्यो। बोरोल गामे बाइक पर सवार थईने गेनीबेन पहोंच्या। कार्यकर्ताओ साथे बाइक पर बेसी गेनीबेने प्रचार शुरू कर्यो। लोकसभानी चूंटणी पहला भाजपमां भंगाण। कपड़वंज विधानसभा बैठकना कार्यकर्ता ने शक्तिसिंह कांग्रेसमां आवकार्या। कटलाल अनाज छीपड़ी गामना भाजपना 25 जेटला कार्यकर्ताए कांग्रेसनो खेस धारण कर्यो। भाजपना भर्ती मेळा वच्चे पाटणमां उल्टी गंगा वही। तालुका भाजपना उपप्रमुख किरणसिंह ठाकोर जोड़ाया कांग्रेसमां। तेओ किरणसिंह ठाकोर 50 कार्यकरो साथे जोड़ाया कांग्रेसमां। कांग्रेस में जोड़ाया बाद किरण सिंह कहूं छेल्ला 20 वर्ष थी भाजप में जोड़ायेलो हतो, जे पार्टी में हतो तेमां दबाई ने रहेवू पड़तुं हतुं।
અમદાવાદમાં ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસ એક્શનમાં 26 બેઠકોની ગતિવિધિઓ પર મોનિટરિંગ કરવા કોંગ્રેસ પ્રદેશ કાર્યાલય બનાવ્યું મીડિયા સેન્ટર. પ્રભારી મુકુલ વાસનિકે કર્યું આ મીડિયા સેન્ટરનું ઉદઘાટન. કોંગ્રેસ ટૂંક સમયમાં લોકસભાની બાકી 4 બેઠકના ઉમેદવાર જાહેર કરશે. રાજકોટથી પરેશ દાનાણી, મહેસાણાથી લાલજી દેસાને ઉતારે તેવી સંભાવનાઓ, નવસારીથી નૈષત દેસાઈ અને અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકથી દલસુખ પટેલને ટિકિટ મળી શકે તેવી શક્યતાઓ. રાજકીય કટાક્ષ માટે જાણીતા પરેશ દાનાણી બાનભૂલ્યા. અમરેલી ભાજપ ઉમેદવારની સ્પીચ પર કટાક્ષ કરીને મજાક ઉડાવી સ્થાનિક ભાષામાં બોલતા ઉમેદવાર ભરત સુતરિયાને અદભુત ઉમેદવાર ગણાવી વિડીયો પોસ્ટ કરી મજાક ઉડાવી. હળવદ કોંગ્રેસમાંથી ફરી રાજીનામા પડ્યા. જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સભ્ય ધર્મેન્દ્ર પટેલ અને તાલુકા પંચાયતના સભ્ય વાસુદેવ પટેલે રાજીનામું આપ્યું. કોંગ્રેસમાં અવગણના થતી હોવાનું કારણ આગળ આપી અને રાજીનામું ધરી દીધું. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુકુલ વાસનિકના ભાજપ પર પ્રહાર. વાસનિકે પ્રહાર કરતા કહ્યું, ભાજપને પોતાના પર જ ભરોસો નથી એટલે બીજી પાર્ટીમાંથી લોકોને ઉઠાવે છે. બીજેપીના નેતાઓ બિનજવાબદાર ભાષણ કરે છે. તો મુકુલ વાસનિકના નિવેદન પર ભાજપે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, કોંગ્રેસ પ્રજાથી વિમુખ થઈ ગઈ છે. દેશનો જે વિકાસ થયો તે કોંગ્રેસથી સહન થતો નથી. કોંગ્રેસ પાસે કોઈ મુદ્દો તે એજન્ડા નથી. ભાજપ સરકારમાં દેશનું અર્થતંત્ર ટોપ 5માં. મુકુલ વાસનિકે કોંગ્રેસને ઉમેદવારોને લઈ કહ્યું, કોંગ્રેસ દ્વારા તમામ સમિતિનું ગઠન થઈ ચૂક્યું છે. 24માંથી 20 બેઠક પર નામો જાહેર કરાયા છે. અન્ય બેઠકો પર નામ નક્કી કરી દેવાયા છે. દાદરાનગર હવેલીમાં કોંગ્રેસમાં ભડકો થયો. કાર્યકારી અધ્યક્ષ મહેશ શર્માથી કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ નારાજ. તેઓ ભાજપ સાથે મળેલા હોવાનો અને નબળો ઉમેદવાર મૂકી ભાજપ સાથે સેટિંગ કર્યાનો કોંગ્રેસના કાર્યકરોનો આક્ષેપ. અમરેલીમાં ભાજપનું બૂથ પ્રમુખ કાર્યકર્તા સંમેલન યોજાયું. સીઆર પાટીલે કાર્યકરોને આપ્યો જીતનો મંત્ર. મોટી સંખ્યામાં જિલ્લાભરના કાર્યકરો હાજર રહ્યા. પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ આ સંમેલનમાં રહ્યા હાજર. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોરબંદરની મુલાકાતે જિલ્લા ભાજપના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક યોજી. લોકસભાના ઉમેદવાર મનસુખ માંડવિયા, વિધાનસભાના ઉમેદવાર અર્જુન મોઢવાડિયા પણ ત્યાં હાજર રહ્યા. પૂર્વ સાંસદ અને પંચમહાલ ડેરીના પૂર્વ ચેરમેનની ઘર વાપસી. પૂર્વ સાંસદ ભૂપેન્દ્રસિંહ સોલંકી ભાજપમાં જોડાયા. 2019માં ભાજપે ટિકિટ ન આપતા તેઓ અપક્ષ લડ્યા હતા ચૂંટણી. લોકસભા ચૂંટણીને લઈ આમ આદમી પાર્ટીએ કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કર્યો. ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક પર કંટ્રોલ રૂમથી નજર રખાશે. 8-10 લોકોની ટીમની બંને બેઠકો પર નજર રખાશે. દાહોદમાં સરકારી શિક્ષકને ભાજપનો ખેસ અને ટોપી પહેરવાનું ભારે પડ્યું. ફતેગઢી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક મહેન્દ્ર પારઘી સામે DPEO-એ તપાસના આદેશ આપ્યા. શિક્ષક સામે આચારસંહિતા ભંગની થઈ હતી રજૂઆત. રાજકોટમાં ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યો. કાળઝાળ ગરમીથી રાજકોટવાસીઓ થયા ત્રાહિમામ. લોકોએ ગરમીથી બચવા ઠંડા પીણાને સહારો લઈ રહ્યા છે. ગરમીથી રાજકોટના રસ્તાઓ બપોરે થયા સુમસામ. કચ્છ જિલ્લામાં કાળઝાળ ગરમીનો અનુભવ. આકરી ગરમી અસર લોકોના જનજીવન પર પડી રહી છે. ભુજ તાપમાન 41 ડિગ્રી પાર પહોંચ્યું તો કચ્છમાં 3 દિવસ યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું. રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી. 5 શહેરોમાં તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યું. 42.1 ડિગ્રી સાથે રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર બન્યું. ભુજ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગરમાં 41 ડિગ્રીથી વધુ ગરમી નોંધવામાં આવી. અમદાવાદમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીને પાર નોંધાયું. રાજ્યમાં હજુ ગરમી વધુ આકરી બનશે. કચ્છમાં 2 દિવસ હીટવેવની આગાહી કરાઈ. રાજ્યના ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર. 2 દિવસ માટે કમોસમી વરસાદનું સંકટ ઘેરાયું. 13 અને 14 એપ્રિલે કમોસમી વરસાદની આગાહી. દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વલસાડ, નવસારીમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. બનાસકાંઠાના ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા. હવામાન વિભાગ દ્વારા જિલ્લામાં 11 અને 12 એપ્રિલે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી.
खेतीवाड़ी विभागे मार्केटयार्ड में माल ने तारपत्रीथी ढांकवा खेडूतोने अपील करी। स्काईमेटना अनुमान पर परेश गोस्वामी की प्रतिक्रिया, कहूं प्रशांत महासागर में तापमान वधे तो अलनीनोनी असर रहे छे, प्रशांत महासागर में तापमान नीचू जाए तो लालीरोनी असर रहे छे। नॉर्मल चोमासु आपणा देशना खेडूतो माटे फायदाकारक रहे छे, भारत माटे सारा समाचारनो संकेत छे, सामान्य करता वधु वरसाद पड़शे तेवी शक्यता छे, महाराष्ट्रना मराठावाड अने विदर्भमां वधु वरसाद पड़शे। राजस्थानना पूर्व भागमां पण वधु वरसाद पड़शे, गुजरात माटे स्काईमेटे कोई चोक्कस अनुमान आप्युं नथी, गुजरातमां पण देशना अन्य भागनी जेम चोमासु सारुं रहेशे। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि की भ्रामक जाहिर खबर केस में सुप्रीम कोर्ट लाल घूम, सुप्रीम कोर्टे कहूं त्रण वक्त अमरा आदेश नो अनादर थयो छे, पतंजलि की माफी मंजूर नहीं कराई। कोर्ट ने अनेक वक्त अवमानना मामले पतंजलि परिणाम भोगवू पड़े, कोर्टे कहूं अमे आंध्रा नहीं अने दया दाखवा पण मांगता नहीं। बागेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री ने जानती मारी नाखवानी धमकी अपाई, सोशियल मीडिया में अपाई जानती मारी नाखवानी धमकी, बरेली में हिंदू संगठनों नोंधावी पुलिस फरियाद, पोस्ट मुकनार व्यक्ति की कराई धरपकड़। छत्तीसगढ़ दुर्ग में खाण में बस खाबकता 12 लोगों का मौत सर्जाया, 40 लोगों ने लई जती बस 40 फूट ऊंडी खाण में खाबकी, दुर्घटना में 20 थी वधु लोग इजाग्रस्त। डिस्टलरी कंपनी ना कामदारों ने लईने जती हती बस, घायलों ने हॉस्पिटल में सारवार माटे खसेड़ाया, बसे काबू गुमावता माटी नी खाण में खाबकी हती बस, दुर्घटना अंगे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ट्वीट करी अने दुख व्यक्त कर्यु। तापीना सोनगढ़ में वृक्ष साथे कार अथड़ाता 3 लोगों का मौत थया, पगपाळा जता वृद्धों ने बचावा जता सर्जाई दुर्घटना, वृद्धा सहित एक महिला एक बाळकी नो मौत थयु अने 4 लोग गंभीर रीते इजाग्रस्त। राजकोटना धोराजी पाटण वाव ओसम पर्वत पर लागी आग, पर्वत पर मातरी माताजी ना मंदिर ना गेट पासे आग लागवानी जाण थता आज उपलेटा फायर टीम पाटण वाव दौड़ी गई हती। वडोदराना मेंढोड गामे स्वाइन फ्लू थी बे दर्दीना थया मौत, 54 वर्षीय महिला अने 6 वर्षीय बाळकी नुं थयुं मौत। क्रांतिज नगरपालिका में पानी ना प्रश्न ने लई महिलाओं नो होबाळो, एक महीना थी रजूआत बाद कोई कार्यवाही न थता महिलाओं नो होबाळो, पानी ना प्रश्न ने लई रहीशो ए मतदान नो बहिष्कार ने चिमकी उच्चार। नर्मदा में आकरा उनाड़े पानी नी मांग वधता पानी छोड़ायु, मुख्य केनाल माथी 21 क्यूसेक पानी छोड़ायु, गुजरात भर माथी उठी छे पानी नी मांग। द्वारका भानवड़ में एक तरफ पानी 6 दिवसे मिली रही है, त्यारे बीजी तरफ मेन लाइन में लीकेज थता पानी ने वेड़फाड़ थई रह्यो छे, आ अंगे रजूआत करता रजदार ने पालिका कचेरी थी उड़ाव जवाब मळ्यो। गर्मी नो प्रकोप वधता गांधीनगर ना इंद्रोड़ा पार्क में प्राणियों माटे विशेष व्यवस्था उभी कराई, इंद्रोड़ा पार्क खाते प्राणियों माटे वॉटर कूलर और स्प्रिंकलर की व्यवस्था करवामां आवी। सूरत बाद अमदावाद में लींबूना भाव में भड़को, अमदावाद में लींबूना भाव 160 रुपया किलो थया, आगामी दिवसों में लींबूना भाव हजू वधवाना एंधाण, गर्मी में राहत आपवा लींबूना भाव में आवी खटाश। चैत्री नवरात्रि ने लई अंबाजी में भक्तों घोड़ापूर उमटू, मोटी संख्या में भक्तों मंगला आरती ना दर्शन कर्या, चैत्र सूद बीज थी आठम सुधी विशेष मंगला आरती, मोटी संख्या में भक्तों माताजी ना दर्शन नो लाभ लीधो। सूरत में ब्लेकमेल करनारा 4 आरोपी झड़पी पाड़िया, वराछाना युवक ने ब्लेकमेल करी 2,50,000 नी करी हती मांग, समलैंगिक पूर्व युवक ने संबंध बांधवा बोलावी करियो ब्लेकमेल।